रोटी और कपड़ा जिंदगी जीने के लिए जितना जरूरी है उसी तरह जिंदगी से संघर्ष करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी के अपना मकान का जरूरत पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या खुले आसमान में उड़ते हुए पंछी। उसी तरह हर इंसान के मन में एक इच्छा होता है कि अपना एक सपनों का महल हो। एक आम व्यक्ति का सपनों का मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की पूंजी लग जाती है। अगर आपको पता चला कि अपने सपनों का मकान जिस जगह पर खड़ी है उस जगह को धोखे से आपको बेच दिया गया, यह सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसी तरह का घटना बिसरा ब्लॉक रेलवे कॉलोनी पुराना फाटक के पास देखा गया, जहां पर रेलवे एरिया में रोड बनाकर नक्शा में जमीन बेचा जा रहा है और सरकारी जमीन को कब्जा किया जा रहा है। जब समाज सेवी किन्नर यूथ प्रेसिडेंट योद्धा जोया त्रिपाठी जी को इसकी सूचना मिली, वे घटनास्थल पर पहुंचे उनके साथियों के साथ, जहां उनको पता चला कि बिश्रा में एक ही जगह का 4 से 5 जमीनी पट्टा और नक्शा करके लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके जिंदगी भर के कमाई लूट ले रहे हैं। इसी तरह का जमीन माफिया दलालों से अवगत करने के लिए और लोग इनके झांसे में ना पड़े इसके लिए जोया त्रिपाठी जी ने इसका घोर निंदा किया और गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिले इसके लिए प्रशासन से गुरा लगाई। बिसरा के रहने वाले कुछ बुद्धिजीवी ने यह बताया कि जमीन माफिया रातों रात बाउंड्री देकर लोगों को उठक रहते हैं और गरीब किसान की खेतियों के ऊपर किसी को बिना जानकारी देते हुए रास्ता और मकान बनाया जाए जा रहे हैं। इस पूरे छलावे में कुछ बेईमान भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। रिपोर्टर राजन कुमार शर्मा, ओडिशा। नमस्ते, मैं जोया त्रिपाठी, समाज सेविका। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आज एक ज़मीन पे खड़ी हूँ, मेरे पीछे एक ज़मीन दिख रहा होगा आपको, ये प्लॉट है और ये प्लॉट पे आप देख रहे हैं कि एक रास्ता बना है, ये कच्चा रास्ता जो रातों रात बनाया गया है 20 फुट का ज़मीन, और उसका नक्शा बना करके लोगों पे दिखाया जा रहा है कि ये ज़मीन को हम लोग बेच रहे हैं, 20 फुट का रास्ता दिखाया जा रहा है, जबकि हालांकि ना यहाँ रोड है ना रास्ता, ये ज़मीन है रेलवे की, ये पूरा ज़मीन है रेलवे की। ये लोग ये ज़मीन पे ये लोग यहाँ के जो बासिंदा है, जो लोकल लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इनको भी नॉलेज में नहीं है कि रातों रात ये ज़मीन यहाँ पे कहाँ से आ गया। जब ये ज़मीन जब ये लोग को बहुत सारे कंप्लेंट्स होने के बाद में आज हम यहाँ पे इनके न्याय के गुहार के लिए आए हैं। रेलवे प्रशासन क्या कर रहा नहीं पता, लोकल प्रशासन क्या कर रहा नहीं पता, ज़मीन के कारोबारी बिसरा पे जोर तोड़ पे एकदम है, लोग एकदम परेशान है, जो ज़मीन ले रहे वो फंस जा रहे कि एक ज़मीन दो दो तीन तीन लोगों को बेचा जा रहा है, उनके पट्टे भी इशू हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्तर पे क्या खेला हो रहा गवर्नमेंट ही जानेगा। गरीब लोग बहुत पिस रहे हैं और परेशान है, ना घर बना पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे, ज़मीन ले लेके सब लोग फंस जा रहे हैं। तो मैं गुहार करती हूँ गवर्नमेंट से और गरीब लोगों से कि आप जो भी ज़मीन खरीदे पहले तो एकदम तफ्तीश से उसकी एकदम पहले वेरीफाई करिए, जांच पड़ताल करिए, उसके बाद ज़मीन खरीदे, और जो लोग ऐसे बदमाशी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय मैडम, आपका जो रास्ता जो बीच में आप दिखा रहे हैं जी, आपका नक्शा में किसका एरिया में आता है? ये रेलवे का एरिया है, ये पूरा साउथ ईस्टर्न एरिया रेलवे का एरिया है, ये पूरा वेरीफाइड हम तरफ से हमने करवाया, तब हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं यहाँ खड़ा होकर के, इतने हम धाक के साथ बोल सकते हैं। हम लोग का खेती के सामने में वो लोग माटी डाल दिया, हम लोग को तो मालूम ही नहीं चला, रात को लाए, राते रात को क्या बोलता है वो गाड़ी में वो लोग ये कर दिया है, उसको तो हम लोग जान नहीं पाए। हम लोग तो एक बचपन से ही बूढ़ी हो जा रहे हैं, अभी खेती कर रहे हैं। तेरा खेती कहाँ तक था? यहाँ तक। हाँ, वाला खेती वहाँ से था? हाँ, पर ही हीड़ था एक। अच्छा, तो हीड़ का ऊपर में ये रास्ता बना दिया? बना दिया। अच्छा, और वो एक बनाने वाला वो बोल्डर साहब गिराया है, आज तक नहीं बनाया है, 10 बरस हो गया। हाँ, तो रास्ता ही नहीं, आने जाने का तो कहाँ से कोई घर बनाएगा? हाँ, वो तो बेवकूफ बनाया गया।